राई के साग के सुखाकर। मेरी थाली में देखिए ये क्या है, पाली कल्चर का जो खाना है। ये देखिए मंथली में सफाई कितना हो रहा है दीपावली का लेकर के, और विदेशी लोग जो रहने के लिए आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए, उसके लिए भी सफाई अभियान चल रहा है। ये फायर ब्रिगेड के द्वारा, दमकल के द्वारा सफाई। दोस्तों ये देखिए नेपाली कल्चर का खाना कैसा होता है। हाँ ये क्या है और ये क्या खा रही है भाभी, क्या खा रही है? गुंदरू। गुंदरू क्या होता है? गुंदरू राय के साग के सुखाकर और कूट कर और बाल्टी में रख कर 10-15 दिन तब ते बाद सुखाता है। अच्छा, राय के साग को कूट कर बाल्टी में 10-15 दिन रख करके फिर उसको सुखाता है भटमास के साथ। और वही जो एक दाल होता है, मतलब राजमा जैसे होता है भटमास, उसके साथ सब्जी, रसदार सब्जी बना करके खाते हैं। मतलब 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना साल भर भी रख करके, घर में रख करके पहाड़ों में खाते हैं। तो ये देखिए बैकग्राउंड कैमरा से कैसा है दिखता है। और ये भाभी खा रही है चावल, गुंदरू का सब्जी, और ये क्या है आलू का चोखा, और ये खा रही है नेपाली कल्चर का खाना ये है। और मेरे थाली में क्या है ये देखिए, मेरी थाली में देखिए ये क्या है, दाल, आलू का चोखा, रोटी, और ये गुंदरू का साग, मतलब सब्जी। इसमें राजमा जैसे दाल होता है भटमास, ये चीज है। और इधर भाभी बोल रही है, ये मैथिली भाषा है नेपाली, गुंदरू भात है ऐके राया साग के सुखा कर 15 दिन और 1 हफ्ता सुखा कर 2-3 दिन 1 हफ्ता रह के फिर सुखा कर डिब्बा में रख के आलू भटमास सब साथे बना देते। अच्छा अच्छा। और ये है पैरोट, तोता, सूगा। ये देखिए हमारे घर में सूगा भी है पिंजरे के अंदर। ये देखिए बोलता नहीं है, उतना छोटा सा है। दोस्तों नेपाली कल्चर का जो खाना है गुंदरू, वो नेपाल के पहाड़ों में एकदम किंगडम खाना है, सालों भर मिलता है और बहुत ही टेस्टी होता है, वो खा के मजा आ गया। वो जो गुंदरू होता है, गुंदरू का जो सब्जी बनता है, वो चावल के साथ भी और रोटी के साथ भी खाते हैं, और सालों भर लोग खाते हैं ऐसे साग को सुखा कर, कूट कर, सुखा कर, सालों भर घर में रख लेंगे किसी बर्तन में और उसको खाते हैं, और बहुत ही टेस्टी लगा, बहुत मजा आ गया एकदम झकास।